आज हम कच्ची मटर से बहुत ही इजी स्नैक की रेसिपी बनाएंगे। ये स्नैक की रेसिपी जितनी इजी है बनाने में, उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है खाने में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखते हैं अपनी इस स्नैक की रेसिपी को। रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। ये देखिए, लहसुन है, इसको मैंने छील लिया है। अदरक, इसको भी छील लिया है। हरी मिर्च है। इन सभी चीज़ों को दरदरा दरदरा पीस लेंगे। इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से पीसना है। आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये मैंने एक बोल लिया है, इसमें ये 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं बेसन डालूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ये चावल का आटा है। ये मटर, लहसुन और अदरक का मिक्सचर है, इसको भी डाल देंगे। ये कटा हुआ प्याज है, इससे बहुत अच्छा सा क्रंचीनेस आएगा। ये 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ये धनिया पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला, इसको भी ऐड कर देंगे। ये चिली फ्लेक्स हैं, जितना स्पाइसी आप खाना चाहें उसी हिसाब से ऐड कीजिए। आप चाहें तो सूखी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। ये नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। कटा हुआ धनिया, ये 1/2 टेबल स्पून कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तरीके से। इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, पेस्ट की फॉर्म में रखना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। विद इन 10 मिनट में आप इस स्नैक की रेसिपी को बना के सर्व कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रहनी चाहिए। यहाँ पर ये उबला हुआ आलू है, इसको मैंने मैश करके ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी, लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें भी। ये देखिए इसी तरीके से अच्छे से मिला लेंगे इसको। पेस्ट एकदम तैयार हो चुका है बनके। इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद में मिक्सचर को चेक कर लेंगे कि देखिए कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। यहाँ पर ये 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा है, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको ऐड करने से ये बाहर से क्रंची रहेंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। इस स्नैक को हम पकौड़ी के फॉर्म में बनाएंगे। तो मैंने हाथों को गीला किया है और इसको इस तरीके से, कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है, चेक कर लेंगे पहले। इसी तरीके से पकौड़ी के फॉर्म में हम इनको फ्राई करेंगे। तेल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। तेल बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा बैटर पहले डाल के। देखिए इस तरीके से सारी पकौड़ी बना लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। आप इनको जिस टाइम खाना चाहें उसी टाइम बना सकते हैं। बैटर को तैयार करके रख लीजिए। इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। इस तरीके से चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर पकेंगी नहीं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत इजीली आप इसको बना लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको इसी तरीके से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई किया है, तो ऊपर से ये एकदम क्रंची हो गए हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। बस यहीं पे हम इनको निकाल लेंगे बाहर, किसी टिश्यू पेपर पे डाल लेंगे, जिससे जो भी इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये लीजिए, आपका स्नैक बनके एकदम तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और एकदम क्रंची सा स्नैक बना है। इसको आप बहुत इजीली बना सकते हैं। हरी मिर्च के साथ में ये खाने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इनको भुना है। इनको आप टमाटो केचप, हरी चटनी या चाय किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से एकदम क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।